राजकीय महाविद्यालय घरोंडा करनाल में एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आरपीआईआईटी के डॉक्टर एमसी धीमान ने शिरकत की। कॉलेज की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश शर्मा ने उनका स्वागत किया। कैंप के तीसरे दिन एक तरफ जहां छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर की सफाई की, वहीं सफाई के महत्व के बारे में बताया। इधर एमसी धीमान ने छात्र छात्राओं को मंच से कोरोना वैक्सीन की जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। गौरतलब है कि राजकीय महाविद्यालय घरोंडा में एनएसएस का शिविर चल रहा है, जिसमें छात्र बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिसके चलते आज कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई और छात्रों को जागरूक किया गया। डॉक्टरों की टीम ने कॉलेज में पहुंचकर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। यहां हम आपको बता दें कि काफी लंबे अरसे से स्कूल व कॉलेज बंद चल रहे थे, परंतु अब हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिसके चलते कोरोना से बचाव के लिए छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही एनएसएस कैंप के माध्यम से छात्रों को स्वावलंबी बनाने के गुण भी सिखाए जा रहे हैं। इस मौके पर कॉलेज का स्टाफ व बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। मुझे नहीं मिला कि जिसको ऐसा लगा और कुछ को नुकसान हुआ। वैक्सीन सबने लगवानी है, डिस्टेंस बनाते रखना है, मास्किंग का प्रयोग करना है। ये तो सिर्फ कोरोना के लिए, ये तो आपने रखना ही रखना पड़ेगा। और मैं तो कहूँ बहुत अच्छी चीज़ होगी ये तो, डस्ट नहीं जाती आदमी के, जो खांसी जुखाम कितना धुआं जाता है, पोल्यूशन कितना था, वो सारा अंदर ये लगाने से बहुत फायदा है। इसको तो जारी रखना पड़ेगा, जब तक रखना पड़ेगा जब तक वैक्सीन सबको नहीं लगे। और वैक्सीन की पहली डोज की, दूसरी बात कर रहे हैं हम डिजास्टर पे। डिजास्टर बहुत बड़ा रोल है। मैं दो जगह ड्यूटी दी मैंने डिजास्टर में।